एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल मेरा डेली सुबह का यही काम होता है कि उठने के बाद नहा के मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद केली को दूध पिलाती हूँ और फिर अन्नी के लिए लंच तैयार करती हूँ। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे, और अन्नी तो सिर्फ धनिया और जीरा पाउडर वगैरह डाल के ही लेके जाता है, और अपन लोगों के लिए मिर्ची वगैरह मैं बाद में काट के डालती हूँ इसमें। तो अन्नी का लंच बॉक्स और बॉटल तो तैयार हो गया है, और अब उसको भी तैयार कर देती हूँ। तो उससे पहले हम नहला देते हैं, और अन्नी देख रहा था कि अच्छा आज तो भाई मम्मा बिल्कुल फ्री होके वीडियो भी शूट हो रही है, तो उसको भी मज़ा आया था क्योंकि आज के लिए टाइम से हो जाते हैं दोनों बच्चे, और सब कुछ आराम से हो जाता है, तो बच्चा भी आराम से फ्री होके खा के जाता है। नहीं तो बच्चे जल्दी जल्दी में नहाते हैं तो फिर उनका खाने का मन नहीं करता है, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं तो। और नहा के अन्नी आजकल ऐसे टावल ओढ़ के बैठ जाता है क्योंकि सुबह के टाइम ठंडा रहता है। दरवाजे वगैरह सुबह के टाइम हम बंद करके रखते हैं क्योंकि बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है, तो केली की भी तो तबीयत खराब है। और अन्नी को मैं उसके बाद नहलाने के बाद अच्छे से मसाज कर देती हूँ क्रीम से, क्योंकि स्किन ड्राई होने लगती है ठंडे से मौसम में, और फिर उसको तैयार करके मैं उसके लिए जो भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ वो उसको दे देती हूँ, और साथ में केली भी खा रही होती है क्योंकि तभी वो शांति से बैठती है। सुबह के टाइम तो ऐसी भागदौड़ होती है ना कि सच में ही मैं भाग रही होती हूँ किचन से और इधर से उधर कमरों में, क्योंकि ये कैमरे में तो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि एक ही कमरे में सेट है। और अन्नी भी मुझे कहता है कि हाँ भागो भागो जल्दी आओ मामा, जल्दी आओ भागो जल्दी, क्योंकि हमें केली को भी देखना होता है कहीं वो नीचे ना टपक जाए। और जैसे ही अन्नी तैयार होता है तो केली का बाय करना स्टार्ट हो जाता है कि भैया आप जा रहे हैं। चल रहे पॉप्स के पास। पॉपी 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 देख इधर इधर भागा। ओ ओ हाँ जी उई उई वहाँ जाए, देखो कैसे छाया में बैठ गए, देखो बर्ड्स बर्ड्स। हम लोग का रोज़ सुबह का यही रूटीन होता है, अन्नी जब जाता है तो केली उसको बाहर छोड़ने आती है, और थोड़ी देर वो पपीज़ को देखती है डॉगीज के साथ, उनको उसको अच्छा लगता है देखना, और फिर मैं उसे यहाँ झूले पे बिठा देती हूँ तो थोड़ा सा वो झूल लेती है। उसे कुछ खास मज़ा तो नहीं आता है क्योंकि उसे चीज़ें होती हैं जैसे मिट्टी में छोड़ दो उसे, और फिर उसको मैं अंदर ले आती हूँ और फिर उसकी मैं सरसों के तेल से मसाज करती हूँ। सरसों के तेल में मैंने अजवाइन और लहसुन की कुछ कलियां डाल के उसको बॉईल किया हुआ है, उसको स्टोर करके रखा हुआ है ताकि बच्चों को जब सर्दी जुकाम होना तो और मौसम जब चेंज हो रहा हो तो इससे मसाज करो तो बहुत ही अच्छा रहता है। और फिर केली की इसके अच्छे से मसाज करके मैं उसको पूरा कवर कर देती हूँ, जैसे उसका सिर उसके पैर वगैरह सब कुछ ढक के, और फिर वो फीड लेके सो जाती है आराम से कम आधा घंटा तो वो सो जाएगी, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी गौतम और अपने लिए। तो केली तो सो गई है, और इसमें मैंने डाल ली है लाल मिर्च। लाल मिर्च जो कि हरी वाली थी हमारे ही जो किचन गार्डन है उसमें लगी हुई थी, तो वो रेड रेड हो गई थी, बहुत ही सुंदर और हल्की सी है, तीखी सी है, तो बहुत ही अच्छी लगती है टेस्ट में, तो मैं इसे डाल लेती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह में। अब बना लेते हैं गरम गरम पराठे और साथ में है चाय। अन्नी के स्कूल से आने पर हमने अमेज़न से कुछ किचन के लिए आइटम्स मंगाए हुए थे, तो उसकी बैठ के अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम दोनों।
कि कैली अभी सो रही है, तो हम दोनों ये काम कर लेते हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं। तो ये है एक प्लास्टिक रैक, और ये है स्टील का एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र, और ये हैं हमने जो प्लांटर्स मंगवाए हैं, और साथ में ही स्टील का ये मसाला बॉक्स है। ये बहुत ही अच्छा है, और इसमें 7 बॉल्स हैं और 2 स्पून्स हैं। तो सारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, स्टील की जो दोनों चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें लोकल मार्केट में शायद इससे भी चीप रेट में मिल जाए, लेकिन मेरा मार्केट जाना होता नहीं, इसलिए मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। हड़प के बैठ गए। और आपने देखा कि मैं कोई भी चीज़ मंगवाऊँ, कोई भी आइटम हो, तो अनी उसमें से एक आध ज़रूर ले लेता है अपने अपने टॉयज़, और उसको टॉयज़ बना के खेलने के लिए। और उसने अब इसको ले लिया है कि मेरे पास स्टोरेज बॉक्स नहीं है। भैया तुरंत ले लेगा एक चीज। ओके। और आज रात में मूवी आ रही थी आदि पुरुष, तो हमने आज बैठ के रात भर ये देखी। उनका खाना वगैरह हो गया था, तो आराम से अनी, मैंने और गौतम ने मूवी एंजॉय की। केली सो गई थी अपने टाइम पर, और केली की वजह से ही हम लोग थिएटर वगैरह में नहीं जा पाते, क्योंकि बच्चों के लग बहुत ही लाउड म्यूज़िक होता है वहाँ पे। तो घर पे ही बैठ के हमने मूवी देखी, और बहुत ही अच्छा लगा, मूवी भी हमें बहुत ही अच्छी लगी। और आपको हमारे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।